हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ही और शी। यह आपने पहले सुना होगा लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन ज़रूर होता होगा। आज मैं इस वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ ही और शी का। ओके, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ही का मतलब क्या होता है। तो ही का मतलब होता है कि जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको हम ही लगाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको हम शी लगाती हैं। ओके, तो वो हमारी मम्मा हो, दादी हो, या फिर बुआ हो, कोई भी हो, गर्ल्स में जो भी गर्ल्स के कैरेक्टर में जो भी आता है उनको हम शी लगाते हैं, और हमारे पापा, भैया जो भी हैं, ब्रदर्स, उनको हम ही लगाते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इज योर फादर अ मैन और अ वुमन? आपके जो पापा हैं वो मैन है या वुमन है, आदमी है या औरत है? यस, वो मैन है। योर फादर इज अ मैन, योर मदर इज अ वुमन। ओके, मेरे पापा क्या हैं, आदमी हैं, और मेरी मम्मा एक औरत हैं। ओके, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन आर द ही मेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर मतलब हमारे दादाजी और नाना जी, हमारे फादर मतलब हमारे खुद के पापा, एंड सन मतलब हमारा भाई या फिर जो लड़का होता है वो कैसे कैरेक्टर में होता है, वो मेल कैरेक्टर में होते हैं। ये सारे लड़के हैं, आदमी हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मेल मेंबर्स को ही बोलते हैं। ओके, ग्रैंड मदर, मदर एंड डॉटर, हमारी दादी, नानी, हमारी माँ, हमारी बहन, ये सारे फीमेल कैरेक्टर में होते हैं, मतलब ये सब लेडीज हैं, तो गर्ल्स के कैरेक्टर में आते हैं, इसलिए हम इनको शी लगा देते हैं। ओके, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ओके, नाउ आंसर दिस। अभी आपको मुझे बताना है, आर यू अ बॉय और अ गर्ल? बोलिए बोलिए, आप लड़के हो या फिर लड़कियां हो? यस, जो कोई भी आप हो। अभी मैं तो गर्ल हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी गर्ल, आई एम अ गर्ल। यूज ही फॉर अ बॉय और अ मैन। कोई लड़का हो या फिर कोई आदमी हो, उनको क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। यूज शी फॉर अ गर्ल और अ वुमन। कोई लड़की हो या फिर कोई महिला हो, उनको क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अभी हम नीचे एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स बाय कंपेयरिंग द ही एंड शी वर्ड्स। ओके, तो ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ये क्या है, ये मैं जो पढ़ ली हूँ ही और शी के एग्जांपल्स है जो हमारे फैमिली में हमेशा हम देखते हैं। ब्रदर के साथ मतलब हमारे भाई के साथ सिस्टर मतलब बहन होती है, हस्बैंड के साथ वाइफ होती है, अंकल के साथ, चाचा के साथ आंट मतलब चाचा के साथ चाची होती है, नेफ्यू के साथ नाइसी होती है, किंग के साथ, राजा के साथ हमेशा कौन होती है, यस क्वीन। ओके, राजा के साथ रानी होती है, लॉयन के साथ लॉयनेस होती है, प्रिंस के साथ प्रिंसेस होती है, कॉक के साथ हेन होती है, ऑक्स के साथ काऊ होती है। ओके, तो ये हो गए एग्जांपल्स ही और शी के। ओके, तो यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अभी हमें निकालना है एक्टिविटी बुक। एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 13 पे हमें माय हेड दिया है, तो माय हेड के जो भी हमने अभी पढ़ा ही और शी, उसका मैच द वर्ड, मैच द ही वर्ड टू द करस्पॉन्डिंग शी वर्ड से हमें करना है, जैसे हमें हमने अभी पढ़ा। तो टाइगर के साथ हमने क्या पढ़ा था अभी एग्जांपल में, टाइग्रेस। ओके, तो इसकी पेयर इसके साथ लग जाएंगी। ये हो गया टाइगर का, टाइगर के लिए हम ही यूज़ करते हैं और टाइग्रेस के लिए शी यूज़ करते हैं।
ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम के लिए हम ब्राइड यूज़ करेंगे। ओके, तो ब्राइड हो गई वूमन और ब्राइड ग्रूम हो गया फीमेल। अभी नेक्स्ट है हमारा ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर मतलब हमारे दादाजी। ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर के साथ क्या पेयर हो जाएगी? ग्रैंड मदर। मैन के साथ वुमन, नेफ्यू के साथ नाइसी और मंक के साथ नन। ओके, तो इस तरह से हमने ये वाला जो मैज पेयर का प्रॉब्लम था, क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व कर लिया अच्छे से। तो इस तरह से हमने ही और शी का सारा डिफरेंस जो था वो अच्छे से जान लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप उसको एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।